शांति। आज 13 नवंबर 2021 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्त लाया हूँ, तुम मुझे याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। प्रश्न है, बेहद की खुशी किन बच्चों को निरंतर रह सकती है? उत्तर है, पहली पॉइंट, जिन्होंने बेहद का संन्यास किया है और संग तोड़ एक संग जोड़ा है, वही निरंतर खुशी में रह सकते हैं। दूसरी पॉइंट, जो फॉलो फादर करते हैं, जिन्हें सर्विस का शौक है, उनकी खुशी कभी गायब हो नहीं सकती। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, यह किसने कहा? बाप ने बच्चों को कहा कि गीत सुना, जब अति दुख होता है तब बुलाते हैं। बच्चे जानते हैं कि बाप ही सुख धाम व पावन दुनिया रचते हैं, अथवा भगवान भगवती का राज्य स्थापन करते हैं। भगवान और भगवती जैसे स्वर्ग के मालिक ठहरे, तुम देखते हो लक्ष्मी नारायण कितने धनवान थे, कितनी बड़ी राजधानी थी। उनकी राजधानी में कभी कोई उपद्रव होता नहीं। बाप बच्चों को वर्षा ही ऐसा देते हैं तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही, कोई कोई तो पूरा ज्ञान न उठाने के कारण न वहाँ की खुशी में रहते हैं और न यहाँ की खुशी में रहते हैं। उनको कहते हैं दोनों जहाँ से गए, क्योंकि बाप से वर्षा लेते लेते गिर पड़ते हैं। दुनिया में यह किसको मालूम नहीं कि भगवान आकर स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि वह आते ही है गुप्त रूप में। कहते हैं जरूर भगवान इस समय होना चाहिए, क्योंकि सब घोर अंधियारे में हैं। रात को 12 बजते हैं तो उनको घोर अंधियारा कहा जाता है। रात में घोर अंधियारा, दिन में घोर प्रकाश होता है। बच्चे जानते हैं अब भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है, जिसमें दुख ही दुख है। मनुष्य समझते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलता है। तुम जानते हो बाप ही आकर हम सबकी सदगति करते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार तो ज़रूर हैं, कोई का तो खुशी का पारा चढ़ा हुआ रहता है, मेहनत भी खुशी से करते हैं, सर्विस का शौक रहता है कि कोई को जाकर समझाए। इसलिए बाबा प्रदर्शनी मेले का भी प्रबंध रचते रहते हैं कि औरों को समझाने से खुशी का पारा चढ़ जाए। यहाँ जिसके पास धन है वह समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं, उन्होंने लिए ज्ञान उठाना मुश्किल है। इसलिए गाया हुआ है, कोटों में कोई ही इतना समझदार बन, बाप के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। फॉलो फादर गाया हुआ है तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। जो अच्छी तरह से श्रीमत पर चलते हैं उनको फॉलो फादर करना चाहिए। जैसे यह यानी ब्रह्मा बच्चा अच्छी तरह चल रहा है, लेकिन लौकिक बच्चे राय पर नहीं चले तो कहा तुम अपनी राय ले लो। रावण की मत पर चलने वाले और राम की मत पर चलने वाले इकट्ठा नहीं रह सकते। तुम बच्चे समझते हो कि भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह 84 जन्म ले पतित बने हैं, तब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाकी थोड़े रोज हैं, देवी राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है। यह है गुप्त, इसमें लड़ाई की बात नहीं। ऐसे नहीं चढ़ाई करके राज लेते हैं, नहीं, यह तो बाप आकर राजाओं का राजा बनाते हैं।
जिस बाप को याद करते दुख हरता सुख करता आओ। सन्यासी गुरु थोड़े ही दुख हरता हो सकते हैं, उन्होंका सन्यास ही हद का, तुम्हारा ही बेहद का, इसमें बेहद की खुशी रहती है। इन लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान को भी बेहद की खुशी है ना। पतित मनुष्यों को तो जो आता सो बोलते हैं, तुम तो एक एक अक्षर अर्थ सहित बोलते हो। नई दुनिया में है ही एक धर्म, उनकी कोई से भी भेंट नहीं की जाती है। पुरानी दुनिया में भेंट की जाती है, नई दुनिया में यह पता नहीं रहता कि पुरानी दुनिया में क्या होगा, वहाँ सब कुछ भूल जाता है। यहाँ तुमको सब कुछ बतलाया जाता है कि नई दुनिया कब स्थापन होगी, पुरानी दुनिया कब विनाश होगी, तुमको सब नॉलेज है। अब तुमको बाप मिला है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो उनसे अच्छी तरह से वर्षा लेना चाहिए। वर्षा मिलना भी उन्हों को है जिन्होंने कल्प पहले अच्छी तरह पुरुषार्थ किया था, उनमें भी नंबर वार हैं। यह है कांटों की दुनिया, पहले नंबर का कांटा तो सब में है ही। पुरानी दुनिया छींची, नई दुनिया अच्छी होती है। स्वर्ग किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं है। ऐसे ही कह देते हैं कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, स्वर्ग है कहा जो स्वर्गवासी हुआ। तुम जानते हो स्वर्ग भी इस भारत में था, नर्क भी भारत में है। तो यह अक्षर वो लोग पकड़कर कह देते हैं स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। जिनको बहुत धन है वह स्वर्ग में है, परंतु ऐसे नहीं है। भारत नया था तो सतयुग था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी पति दुनिया नर्क है, दुनिया तो एक ही है। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पुरानी दुनिया में रावण का राज्य है। भगवानु वाच, मैं तुमको 84 जन्मों का राज बताता हूँ। इस राजयोग से तुमको राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तो नरक का जरूर विनाश होना ही चाहिए। शास्त्रों में कृष्ण का नाम डाल लड़ाई आदि दिखा दिए हैं। पांडवों की कोई सेना तो है नहीं। आजकल कन्याओं माताओं की पलटन बनाई, उन्हों को बंदूक आदि चलाना सिखाते हैं। यह तुम्हारे हाथ में बंदूक आदि कुछ नहीं है, उनको क्या मालूम। तो शिव शक्ति सेना कौन है? शिव बाबा तो कभी हिंसा करा नहीं सकते, लड़ाई की कोई बात ही नहीं। तुम जानते हो कि शिव बाबा की रूहानी सेना है। शिव बाबा हमको डबल अहिंसक बनाते हैं। उनको कहा जाता है 100% नॉन वायलेंस, यहाँ है 100% वायलेंस यानी हिंसा। एक ही बॉम्ब से कितनों का विनाश कर देते हैं। बेहद के नॉन वायलेंस और वायलेंस में कितना फर्क है। तुम अभी इस समय बेहद की साइलेंस में हो। उस तरफ जितना लड़ाई की तैयारियां होती जाती हैं उतना आवाज़ बढ़ता जाता है। कितना हंगामा होता है विनाश में, स्थापना में तो कितनी साइलेंस में बैठे हो। हिंसा की कोई बात ही नहीं, तुम्हारी अप्रैक्टिकल लाइफ है। बाप से योग बल द्वारा वर्षा पा रहे हो। बाप अल्फ को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। कितना सहज है बाप, कितना मोस्ट बिलवेड है, कितना दूर देश से आते हैं। जैसे विलायत से किसका बाप आता है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, बाबा हमारे लिए विलायत से अच्छी अच्छी सौगातें लाएंगे। यह बेहद का बाप तो एक ही बार आता है, कौन सी सौगात ले आते हैं। कहते हैं मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ट ले आया हूँ। जैसे कहते हैं हनुमान संजीवनी बूटी का पहाड़ ले आया, अब पहाड़ तो कोई उठा नहीं सकता है। वैसे ही
बाप कहते हैं, मैं हथेली पर बहिश्त ले आया हूँ। अब बहिश्त कोई हथेली पर थोड़े ही उठता है, यह तो समझ की बात है। बच्चे तो जानते हैं बाबा हमारे लिए नंबर वन सौगात लाए हैं। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाने, तो पावन बनना पड़े। यह राजयोग है ना, भारत का प्राचीन राजयोग गीता के भगवान ने ही सिखलाया था और राजाई दी थी। अब फिर से राजयोग सिखला रहे हैं। तुम कहते हो कि हम स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के बच्चे हैं। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो ज़रूर किसी को तो बादशाही मिली होगी ना। ऐसे भी नहीं, सिर्फ स्वर्ग में रहने वालों को ही बाप ने दिया होगा, और सबको भी तो बाप देते हैं ना। बाकी सबको ड्रामा अनुसार मुक्ति का पार्ट मिला हुआ है, सब मुक्त हो जाते हैं। एक ही बाप सर्व का सदगति दाता है, दूसरा न कोई। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में जो नामी ग्रामी आते हैं, जो मानते हैं कि बरोबर गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है शिव है, तो उनसे लिखवा लेना है। बड़े आदमियों की ही बात को सुनेंगे, गरीब की तो कोई सुनते नहीं। इसलिए प्रदर्शनी में कोशिश कर यह लिखवा लो, गीता का भगवान एक ही है, वह सबका बाप है। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तो सारे विश्व पर रावण का राज्य है, यही सबका दुश्मन है, जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं फिर भी मरता नहीं है। अभी भारत का बड़ा दुश्मन रावण है, यह बात सिर्फ तुम जानते हो। अब राम परमपिता परमात्मा रावण पर जीत पहनाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश होंगे, तुम लायक बन जाएंगे, तो फिर नई दुनिया चाहिए। ज़रूर पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था, सो होगा। महाभारत लड़ाई लगी ही तब है जब रावण राज्य विनाश हो राम राज्य स्थापन होता है। रावण राज्य में ही हाहाकार शुरू होता है, हाहाकार के बाद जय जयकार होती है, दुनिया बदलती है। जैसे पुराना घर तोड़ नया बनाया जाता है, फिर तोड़ा जाता है, यह भी स्थापना हो रही है। बॉम्ब्स आदि बनाते ही रहते हैं, तैयारियां हो रही हैं। अभी दशहरा आया तो रावण की एफिजी भी निकाली। तुम्हारी है बेहद की बात, तुम्हारी बुद्धि में आता है यह क्या करते हैं। तुम जब समझाएंगे तब समझेंगे हम यह क्या करते हैं। हंसी भी आएगी, किसको भी समझा सकते हो, इतना बड़ा रावण तो होता ही नहीं। अब बाप कहते हैं, तुम रामराज चलो, 5 विकारों का दान दो, ग्रहण छूट जाए। बाप आकर समझाते हैं, यह 5 विकारों का ग्रहण सारी दुनिया पर लगा हुआ है, बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। तुम बच्चों को तो अथाह खुशी होनी चाहिए, बाकी थोड़े रोज है। तुम अभी क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर्स ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, और कोई नहीं जानते। तुम्हारी अब स्वच्छ बुद्धि बनी है, तुम बाप के बने हो तो ज़रूर स्वर्ग में भेज देंगे। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है, यह है रूहानी नॉलेज जो बाप ही देते हैं। मनुष्य मनुष्य को दे नहीं सकते, दुनिया में सब मनुष्य मनुष्यों को नॉलेज देते हैं। तुमको तो बाप सुप्रीम सोल आकर ज्ञान देते हैं, बाकी सब ही भक्ति मार्ग की दंत कथा सुनाने वाले, सत्य नारायण की कथा रामायण की कथा। जो पास्ट हो गया है वह कुछ न कुछ बनाते रहते हैं,
यह तो है पढ़ाई। पढ़ाई में हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाई जाती है। यह है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ह्यूज। तुम समझाते हो, बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी कहा था। वह गीता पढ़ने वाले थोड़े ही कुछ समझते हैं। यादव, कौरव, पांडव किसको कहा जाता है? तुम प्रैक्टिकल में देखते हो। यूरोपवासी यादवों ने मूसल निकाले, विनाश हुआ। विनाश के बाद क्या हुआ? वह कुछ नहीं दिखाते हैं। वह समझते हैं प्रलय हो गई। वह कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो। बोलो, हाँ हम शास्त्रों को जानते हैं, मानते हैं। यह सब भक्ति मार्ग के हैं। ज्ञान तो एक बाप ही सुनाते हैं, जो ज्ञान का सागर है। अब भक्ति खत्म हो, ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। नथिंग न्यू। हमारी प्रीत है बाप से। हम और संग तोड़ एक संग जोड़ते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मेरे साथ योग लगाओ। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है, जो बाप ही सिखलाते हैं। कृष्ण की आत्मा भी इस समय अंतिम जन्म में है। इनको कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इसलिए मैंने इसमें प्रवेश किया है। मैं इसमें बैठकर तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली बनाए राज्य भाग्य देता हूँ। बाप के सिवाय और कोई बता न सके। यह तो बाप खुद इस मुख द्वारा सुना रहे हैं। यह बाबा भी पहले कुछ नहीं जानते थे, तुम भी कुछ नहीं जानते थे। भारतवासियों को ही समझाना पड़े 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है। यह वही लड़ाई खड़ी है जिससे स्वर्ग के गेट खुले थे, जबकि बाप ने आकर राजयोग सिखलाए, मनुष्य को देवता बनाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, जो अच्छे रीति श्रीमत पर चलते हैं उन्हें फॉलो करना है। बेहद की खुशी में रहने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक बाप से जोड़ना है। डबल अहिंसक बन, साइलेंस में बैठ अपनी राजवाई स्थापन करनी है। आज का वरदान है मरजिवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। मरजिवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। विश्लेषण है लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मरजिवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पाप आत्मा अपकारी आत्मा से भी नफरत व घृणा के बजाय रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणी व परोपकारी गाए जाएंगे। आज का स्लोगन है समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग्य आया तो यह भी अल्पकाल का वैराग्य है। सदाकाल के वैरागी बनो। समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग्य आया तो यह भी अल्पकाल का वैराग्य है। सदा काल के वैरागी बनो। अच्छा, ओम शांति।